सो हे गाइज, इट्स मी जैगवार बैक विथ अनदर वीडियो ऑन जैगवार गेमिंग। और आज मैं आप लोगों को 10 टिप्स देने वाला हूँ पबजी मोबाइल में, जो जानते सब लोग हैं पर यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं। तो चलो यार शुरू करते वीडियो को। नंबर 1, नो डैमेज फ्रॉम फ्रैग ग्रेनेड। तो गाइज यार आपको शायद मालूम ही होगा कि अगर आप ग्रेनेड कोई मारते हैं आपके सामने तो आपको डैमेज पड़ता है, लेकिन नहीं, अगर वो आपके व्यूइंग साइट से नहीं हो तो फिर उसका डैमेज आपको नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग मोड में खुद ही के सामने ग्रेनेड मारा हूँ और मेरे को एक भी डैमेज नहीं पड़ा, क्योंकि मैं हिला नहीं, इसका मतलब है मेरे को डैमेज नहीं पड़ा। तो देखो अभी इसको मैं अपने व्यूइंग साइट में रखूँगा, मतलब मेरे स्क्रीन में वो दिख रहा है कि वो है, तभी मेरे को डैमेज पड़ा है, वरना नहीं पड़ता। नंबर 2, फास्टर हिल क्लाइंबिंग टेक्निक। तो गाइज आपको पता ही होगा कि आप हिल में क्लाइंब कर सकते हो, ये मेरा फेल अटेम्प्ट है। तो देखो यार, नॉर्मली अगर आप जंप करते करते उठोगे तो आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा, अगर नॉर्मली स्प्रिंट करके उठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जंप एंड रन तो फिर आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा। शूटिंग फ्रॉम वेयर हाउसेस। सो गाइज ये जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस के ऊपर यहाँ पे ये सब सामान रखा हुआ है, इसके ऊपर आप चढ़ जा सकते हो जैसे कि मैं आप देख ही पा रहे हो। तो यहाँ पे फिर ये जो विंडो पेन है वहाँ पे खड़ा हो गए, देखो वहाँ पे बंदा है और यह आपने मार दिया। अपार्टमेंट जंपिंग ट्रिक। सो गाइज आपको ये अपार्टमेंट्स तो मालूम ही होगा, आप उस अपार्टमेंट में जाने के लिए थोड़ा पीछे हटिए, फिर इस वाले पे जंप करके दूसरे वाले पे जंप कर लीजिए और आप ऐसे उड़ गए। अगर आपको नीचे के फ्लोर में कोई बंदा दिख जाए तो आप जंप करके नीचे वाले फ्लोर में चले जा सकते। ये मारा जंप, फिर लो जंप और यहाँ पे आप पहुँच गए, फिर आप अंदर चले गए रश करते हुए, आपने दरवाज़ा खोला, बंदा दिखा तो आपने मार दिया। तो अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे मेरे जैसे एकदम। एंड इट्स डन, जंपिंग फ्रॉम अपार्टमेंट्स विदाउट एनी डैमेज। सो गाइस अपार्टमेंट के कॉर्नर में आके आप यहाँ से अगर गलती से जंप कर देते हैं तो आप इनर वर्ल्ड की ओर अपने जॉयस्टिक को कीजिए ताकि आपको डैमेज ना पड़े। फिर से मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ से मैंने इनर वर्ड किया, अब जंप कर लिया, अब मेरे को एक भी डैमेज नहीं पड़ा। फास्टर लैंडिंग टेक्निक। सो गाइस आप ये चीज़ हज़ार मीटर हाईएस्ट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पोजीशन पर से, मतलब जहाँ से आप जंप करे वो अपने पोजीशन तक 1000 मीटर तक की रेंज पे ये चीज़ आप कर सकते हैं। जब ही लोएस्ट होगा तभी जंप कीजिए, और यहाँ पे मेरा लोएस्ट हो गया है तो मैं जंप कर देता हूँ। फिर 10 o'clock की दिशा में आपको कर लेना है अपने जॉयस्टिक को। 10 o'clock मतलब घड़ी में जब 10 o'clock बजता है तब जैसा आपको जो छोटा हैंड होता है तो उसको वैसे आपको रखना पड़ेगा, तो फिर आप बहुत ही स्पीड से जाएंगे और डायरेक्शन भी आपका ऐसा होना चाहिए। और ये देखिए मैं सबसे पहले पहुंच गया। स्मोक बिफोर रिवाइव। तो गाइस मान लीजिए आपका बंदा फुदकता रहता है इधर उधर ऐसे ही जैसे शेडो घूम रहा है अभी, और उसको किसी ने नॉक कर दिया तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप कवर में हो लेकिन वो ओपन में, तो फिर आपको क्या करना है कि एक स्मोक करना है उसके आसपास ही, फिर उसको बोलना है कि आपकी तरफ आए, फिर जैसे स्मोक एक्टिवेट होता है तब आपको थोड़ा आगे जाके उसको रिवाइव देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा और आप अपने टीममेट को तसल्ली से रिवाइव दे पाएंगे, इससे आप भी कवर में रह पाएंगे। अनइक्विप गन फॉर फास्टर स्पीड। सो गाइस अगर आप गन को पीछे रख लेते, मतलब गन पे क्लिक करके पीछे रख लेते तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, ये आपको मालूम ही होगा, पर बहुत ही कम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते और टाइम को मतलब स्पेंड कर देते इसी चीज में। टैप फायर ओवर सिंगल फायर। सो गाइस आप टैप टैप करके फायर कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप
अगर मान लीजिए सामने सच्ची में बंदा आ जाए तो उसको टैप टैप से डायरेक्टली ऑटो पे भी मार दे सकते हैं। मतलब दिस विल गिव यू बेनिफिट ओवर सिंगल कि आपको फिर से ऑटो पे करना पड़ेगा, जिससे आप भूल भी जा सकते हैं। कार्स एज कवर। सो गाइज, अगर आपको किसी कार को कवर बनाना है तो सबसे पहले जहाँ पे आपको वो कवर चाहिए, अगर वो मान लीजिए डैमेज है तो आपको उसे थोड़ा आगे लेके, मतलब उस जगह पे लेके फिर टायर फोड़नी है सबसे पहले, ताकि वो जो टायर क्योंकि उस गाड़ी को राइज कर देती है वो चीज़ नहीं होगा। और आप ऐसे कवर में हील कर ले सकते हैं अगर आपको बंदे उस साइड से मार रहे हो तो, और या फिर आप गाड़ी को फोड़ भी दे सकते हैं परमानेंट कवर के लिए, फिर उस बंदे को मार सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।